भाषा का अधिकार की नियमावली 134A का अभिभावक गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। गरीब लोगों के अलावा साधन संपन्न लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और निजी स्कूल संचालकों को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। इसी के विरोध में निजी स्कूलों के संचालकों ने प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार को क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों ने अम्बेडकर चौक पर धरना दिया और इसके बाद स्कूल संचालकों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और SDM व DSP को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने बताया कि निजी स्कूल गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पिछले 5 सालों से फ्री शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ शरारती तत्व नियमावली 134A की आड़ में निजी स्कूलों को बदनाम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य गलत प्रचार करके स्कूल की छवि को खराब करना है। आज हमने प्राइवेट स्कूल से तोहाना की जितने भी स्कूल थे सभी ने इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। रोजमर्रा में सोशल मीडिया के ऊपर जो स्कूल्स को डाकू लुटेरा ठग बताया जा रहा है, हमने मांग किया कि इस प्रकार के जो अपशब्द यूज करते हैं कोई भी अभिभावक है कोई भी सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ हमने मांग रखी है सरकार से कि 10% नहीं, हम 100% बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, लेकिन इसकी एवज के अंदर सरकार हमें रिइंबर्समेंट दे। हमारा एक संकेत था, यदि शिक्षक है, हमने शिक्षक की तरह से हमने एजुकेशन इस प्रकार से किया है, तो सरकार को ये बताना भी चाहते हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार हम सभी टोहाना के जितने भी स्कूल्स हैं ताला लगाकर SDM साहब को सौंप देंगे चाबी, और सरकार के SDM साहब सरकार के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से सरकार के पास चाबी चली जाएगी और हम स्कूल बंद कर देंगे। क्योंकि अपने हमने ये कहा कि जो रोज स्कूल के अंदर आकर हमें हमारे साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, भद्र शब्द हमें बोलते हैं, तो हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्योंकि 18 तारीख को आप देखिएगा 134A का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उसमें पेरेंट्स की एक भीड़ ऐसी आएगी कि हमें इस प्रकार से शब्द कहे गए आप लिख के दीजिए, इवन देन मारने के दौड़ती है। मोस्टली हमारे स्कूल के अंदर शिक्षिकाएं हैं, महिलाएं हैं, तो हम चाहते हैं डर का माहौल ना हो स्कूल के अंदर। तो सरकार, हमने DSP साहब को कहा है कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाइए।